अब इसमें हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, टैक्सेस को इंक्रीज करना डिक्रीज करना, या डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर है, तो ये सारी चीज़ें, इनकम टैक्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो स्टेट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारे सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के पास रहते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट हैं जो कि स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट इस पे लॉ बना सकती है, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वो स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तीन तरीके की लिस्ट की हमने बात की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हम कहेंगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अब फेडरलिज्म का जो डेफिनेशन है, हमने बात की थी कि इसको पूरी तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, बट इस वर्ड को यूज़ करने से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो बचे थे, क्योंकि सारे के सारे प्रिंसिपल्स अगर हम देखें तो इक्वल डिवीज़न ऑफ पावर की हम बात करते हैं, बट हमारे यहाँ स्पेशल स्टेटस वाले भी स्टेट रहे हैं। जैसे हम जम्मू कश्मीर को भी हमने देखा था, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यूटीज़, यूनियन टेरिटरीज़, जो कि यूनियन टेरिटरीज़ कैसे बनी, जो कि ऐसे बहुत सारे एरिया से जो कि ना इतने छोटे थे कि उनको शहर बनाया जा सके, सिटी बनाया जा सके, और ना ही इतने बड़े थे कि उनको स्टेट का दर्जा दिया जा सके, तो उनको सेंट्रल, अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में ही रखा गया। काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रखा गया और उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यूनियन टेरिटरी फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है ही, तो ये तीन चार लेवल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अनइक्वल डिवीज़न है पावर का, और स्पेशल स्टेटस आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को अभी तक मिला हुआ था जो कि अब हटाया गया, वहाँ पे यूनियन टेरिटरी बना दी गई जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे जो राइट्स वहाँ पर वापस ले लिए जाते हैं कभी कभी, मिलिट्री लॉ वहाँ पे लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये डिवीज़न अनइक्वल डिवीज़न में आता है, और ये जो डिवीज़न है ये, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक क्या था कि किस तरह से ये डिवीज़न किया गया और जो स्टेट्स का फॉर्मेशन था वो कैसे हुआ, फेडरलिज्म के ही प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए, सारे जो फीचर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए हमने स्टेट्स को फॉर्म किया, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके लैंग्वेज के बेसिस पे और डिफरेंट कल्चर के बेसिस पे जो स्टेट्स का, स्टेट्स को बनाया गया। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स हमारा नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। और इसमें हमने बात की थी, सबसे पहले बात की थी लैंग्वेज पॉलिसी की। लैंग्वेज पॉलिसी, तो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ मोर देन 40% जो पीपल थे वो हिंदी बोलने वाले थे, मोर देन 40%। तो हिंदी में जो एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क था, यानी जो गवर्नमेंट के जो वर्क थे वो हिंदी में करे जाते थे, इंग्लिश को भी उसमें शामिल किया गया था, तो हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में होता था। फिर 1965 के बाद इंग्लिश को हटा दिया गया, इंग्लिश को हटा दिया गया, लेकिन तभी फिर वहाँ पे तमिलनाडु में इस चीज़ के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठी, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो स्टेट हैं और बेसिकली जो साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे हिंदी लोग नहीं जानते हैं, और इंग्लिश भी आप ख़त्म कर देंगे तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क है, जो गवर्नमेंट का जो वर्क है वो कैसे होगा। तो काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन इस पर हुआ और कई जगह पर वायलेंस भी हुआ। इसको देखते हुए दोबारा फिर से गवर्नमेंट ने कहा कि जो हिंदी है वो हमारी लैंग्वेज तो है ही,
और उसको हम प्रॉपर जितनी रिस्पेक्ट देते ही हैं, लेकिन हम स्टेट की अपनी लैंग्वेज स्टेट्स को अपनी लैंग्वेज में काम करने की फ्रीडम देंगे। तो उसके बाद से फिर इंग्लिश और स्टेट लैंग्वेज में काम शुरू हुआ। तो इस तरह से आप किसी भी एग्जामिनेशन के पेपर में देखिए तो इंग्लिश के साथ साथ जो स्टेट लैंग्वेज है उसमें वो पेपर आता है। ऐसे आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसमें इंग्लिश और हिंदी में आता है, क्योंकि स्टेट की लैंग्वेज आपकी मेन हिंदी है। उसी तरीके से अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में भी, अदर स्टेट में भी हम देखें तो वो दो लैंग्वेज में रहता है, इंग्लिश और उस स्टेट की स्टेट लैंग्वेज। तो इस तरह से लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस थी हिंदी के अलावा, 21 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस थी उनको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट दी गई कि हिंदी के अलावा उनमें भी हम काम कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हिंदी को ही सुप्रीम करना था, जैसे कि हमने श्रीलंका के बारे में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म को इम्प्लीमेंट किया गया और वहाँ पे जो सिंगलास थे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, सिंगला लैंग्वेज को, सिंगलीज के लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, तमिलियंस को वहाँ पे दबाया गया, तमिल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। बट हमारे कंट्री में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ। फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को हमने अडॉप्ट किया और स्टेट्स का फॉर्मेशन किया, लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। तो स्टेट लैंग्वेज पॉलिसी में ही हम देख लेते हैं कि स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट कल्चर वाले लोग हैं, तो कहाँ पे किस तरीके के लोग रह रहे हैं, उस तरीके से हर स्टेट का बाइफर्केशन कर दिया गया। वहाँ पे 1947 के बाद यानी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत सारे नए स्टेट्स क्रिएट किए गए, बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स थे उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया गया ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, एक साथ उस तरीके एक एक तरीके के लोग एक जगह पे रह सकें, जिससे कि वो स्टेट के डेवलपमेंट में पूरा कंट्रीब्यूशन अपना कर सकें और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा भी हो। तो ये था स्टेट्स का फॉर्मेशन, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो था लैंग्वेज पॉलिसी, मेन लैंग्वेज का ही वहाँ पे जो कंसर्न था।